अपने हाथों को उठाऊं, कितने लोग विश्वास करते हैं आज, आवाज खोल इसकी ओए अंदर सा, अपने हाथों को उठाऊं और विश्वास करो आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में मिराकल करना चाहता है। कितने लोग मिराकल करवाना चाहते हैं आसमान के खुदा से। फर्क पड़ता है इस बात पर कि परमेश्वर आपके जीवन में मिराकल करे, मिराकल करे। बोलो हालेलुया। क्या आप तैयार हैं कि परमेश्वर मिराकल करे आपकी लाइफ में, हाँ या ना? जितने तैयार हैं आज उनकी जिंदगियों में चमत्कार होंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। विश्वास करना है पवित्र आत्मा काम कर रहा है आपकी लाइफ में, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। ध्यान से सुनो, आज अपने अंदर के शेर को मारना है आपको। अपने पड़ोसी को पूछो, शेर मारा तूने कभी? कीड़ी भी नहीं मारी, शेर तो दूर की बात है। बोलो हालेलुया। आज शेर मार देना, आपने मार दो अपने अंदर का शेर, अभिलाषाओं का शेर जो उठ रहा है आपको परेशान कर रहा है। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। लेकिन जो लोग नाच रहे हैं और गा रहे हैं, आज परमेश्वर उनकी जिंदगियों में कुछ नया करना चाहता है। आमीन। याद रखना, जब आप हाथ उठाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, गीत गाते हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि वो मार्च के महीने में बहुत ताकतवर हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। दो चीजें आपके साथ घटेंगी, दो चीजें आपके साथ होंगी अब से। अगर आपने गीत गाया, सही से ढंग से गाया, गुनगुनाया, नाचे झूमे, प्रभु की तारीफ की, बोला हालेलुया, तो परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में कुछ नया करेगा। आमीन। पवित्र आत्मा ने कहा दो काम, एक आपका फाइनेंस डबल होगा। यस। दूसरा, आपके हाथों पर परमेश्वर जबरदस्त ताकत देगा यीशु मसीह का। आमीन। आपकी वो ताकत जिधर हाथ करेंगे, जिधर आप चले जाएंगे, उस व्यक्ति का भी काम बन जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी ग्रोथ होना स्टार्ट होगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं? तो हम इस बहन के साथ एक गीत गाएंगे। अपने हाथों को उठाऊं, जो वहां गा रहे थे वो गाएंगे। शाबाश। देखो जोर हमारा है, यहूदा का शेर बबे। देखो जोर हमारा है, यहूदा का शेर बबर। देखो जोर हमारा है, यहूदा का शेर बबर। जोर हमारा है, यहूदा का शेर बबर। जिसकी खाली बड़ी है, आज भी देखो कबर। हाथों को उठाते हैं, बोलो खाली बड़ी है, आज भी देखो कबर। चलो बबर यीशु शेर बबर, शेरे बबर यीशु शेर बबर, बबर यीशु शेर बबर। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में कोई नया काम करने वाला है। जोर हमारा है, यीशु हमारा है। देखो जोर हमारा है, यहूदा का शेर बबर, शेर बबर यीशु शेर बबर, बंधनों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला, को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला। दुख तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला, दुख तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला। वो है शान है हमारी, हमारा पत्थर। बोलो शान है हमारी, वो है हमारा पत्थर। तेरे बबर यीशु शेर बबर, तेरे बबर यीशु शेर बबर, यीशु शेरे बबर, तेरे बबर यीशु शेरे बबर। अपने हाथों को उठाते हुए नाचते हुए छूटते हुए अपने रुमाल को निकालते हुए बोलो तेरे बबर यीशु शेरे बबर, तेरे बबर यीशु शेरे बबर, तेरे बबर यीशु शेरे बबर,
हालेलुया। याद रखना, जो लोग गीत गाते हैं वो लोग सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। यस, जो गीत गाते हैं ताकतवर हो जाते हैं। हर चीज में ताकत, आपका बैंक बैलेंस तकड़ा होगा। यस, जो गीत गा रहा है आज उसका बैंक बैलेंस तकड़ा होगा सबसे। आमीन। आप मुझे पता है सेहत में भी तकड़े हैं, लेकिन आज से आपका लीवर, आपका हार्ट, आपकी किडनियां तकड़ी हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम। आमीन। याद रखना, आराधना करने वाले लोग छोटे नहीं रहते, साधारण व्यक्ति नहीं रहेंगे आप, लेकिन आपका आराधना करना परमेश्वर को भाया, तो मैं कह रहा हूँ कि आज मिराकल होगा यीशु मसीह के नाम में। आराधना करने वाले लोग सबसे ज्यादा तकड़े होंगे, याद रखना। आप अपने पड़ोसी, ये 4 महीने की भविष्यवाणी है, इस दिन से देख लेना आप, पूरे 4 महीने के अंदर जिनके नाम GNRS और PRKL से हैं, मैं ऐसे नहीं भविष्यवाणी करता, आपको सबूत दिखाऊंगा गवाहियों में। बोल हालेलुया। जो कहा वो पूरा हुआ। आमीन। परमेश्वर करने के लिए जा रहा है आपकी लाइफ में। यस। आत्मा ने कहना ये नाम वाले मकान बनाएंगे 4 महीने के अंदर। आमीन। समझ रहे हैं कि नहीं? यस। ये परमेश्वर की ओर से है। अबलाबा शबलाबा बलाबा शबला, अपने हाथों को उठाओ और कहूं कि परमेश्वर मैंने अपना जीवन तुझे समर्पित कर दिया आज। यस। पवित्र आत्मा मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। पवित्र आत्मा जो लोग इस समय गुनगुना रहे थे, गा रहे थे, आज पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में चमत्कार होने पाए, परमेश्वर तेरा अनुग्रह होने पाए, यीशु मसीह के नाम में हर एक आशीष उतरने पाए, पवित्र आत्मा बंधन टूटने पाए, स्वर्ग इनके लिए खुलने पाए, हर व्यक्ति आजाद होने पाए आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा छुटकारे वाली रात हो आज इनके लिए, छुटकारे वाली शाम हो, जो ऑनलाइन चर्च के साथ जुड़े हुए हैं आज इनके लिए पवित्र आत्मा छुटकारे की रात हो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापिस ना जाए, जो गा रहा है वो तकड़ा हो जाए आज। आमीन। तकड़ा हो जाए आज, उनका हार्ट, उनका लीवर पवित्र आत्मा तकड़ा हो जाए आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज से ये प्रार्थना करने में तकड़े हो जाए, वचन पढ़ने में तकड़े हो जाए, आराधना करने में, सच में पवित्रता से चलने में तकड़े हो जाए परमेश्वर। कोई भी शत्रु इन्हें छू नहीं ना पाए पवित्र आत्मा। मेरे पिता विश्वास करता हूँ कि तूने छू रहा आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आज आपने अगर गाया बजाया, मैं कह रहा हूँ तकड़े हो जाओगे आज। यस। हालेलुया बोलने वाले तकड़े हो जाएंगे आज। हालेलुया। मुझे संग है यहोवा, ताकि सीधी क्यों पालेंगे, तू ना घबराओ मैं यहोवा तेरे नालेंगे। ना घबराई आज, तू ना घबराओ मैं, जो घबरा रहे हैं डरो नहीं आज, यहोवा तेरे नाल है। बस आपको ये कहना है परमेश्वर मेरे नाल है आज। जिस संग है यहोवा, जिसके संग है यहोवा, ताकि से भी क्यों पालेंगे। यस जीसस, तू ना घबराए यहोवा तेरे नाल है, तू ना घबराए यहोवा तेरे नाल है। तू नाम तेरे नाल है। अपने हाथों को उठाते बोलो आज, यहोवा तेरे नाल है, नाल है, ओ नाल है, यहोवा तेरे नाल है, नाल है, ओ नाल है, यहोवा तेरे नाल है। बोलो अपने मुंह से अंगीकार करो आज, नाल है, ओ नाल है, यहोवा तेरे नाल है, नाल है, ओ नाल है, यहोवा तेरे नाल है। यहोवा मेरे नाल है, जो संग है यहोवा, ताकि सदी क्यों पालिए, जो संग है यहोवा, सब कहे ताकि सदी क्यों पालिए, तू ना घबराई यहोवा तेरे नाल है, तू ना घबराई यहोवा तेरे नाल है, नाल
नाल है, यहोवा तेरे नाल है, बोलो नाल है, नाल है, यहोवा मेरे नाल है, नाल है, ओ नाल है, यहोवा मेरे नाल है, नाल है, ओ नाल है, यहोवा मेरे नाल है, यस विश्वास करें आज अपने हाथों को उठाते हुए कहें आज यहोवा मेरे नाल है, आज वो आपके साथ है, वो आपके बीच में है, वो आपके बीच में है, वो आपको छूना चाहता है, वो आपको टच करना चाहता है, नाल है यहोवा मेरे नाल, विश्वास से कहें आपके दुख में, आपकी परेशानियों में, आपकी दिक्कतों में, आपकी बीमारियों में, आपके कर्जों में, आपकी लानतों में, आपकी शर्मिंदगी में, वो आपके नाल है, नाल है यहोवा मेरे नाल है, 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 हाथ को उठाते हुए नाचते हुए, डरो नहीं, 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 नाल है, नाल है, नाल है, नाल है, नाल है, नाल है, यो परमेश्वर मेरे नाल है। आप घबराए नहीं, आज पवित्र आत्मा उन लोगों के साथ है जो आज घबराए हुए हैं, जो डरे हुए हैं, कोई बीमार है, कई समस्या में है, डरना नहीं, डरना नहीं, वो नाल है, हमारे नाल है वो आज। आमीन बोलने वालों के साथ है वो आज, आज विश्वास करने वालों के साथ है आज, yes. आज किसी भी प्रॉब्लम में होंगे आपको नजर आएगा मेरा परमेश्वर साथ है, यीशु मसीह के नाम में वो आपके साथ खड़ा नजर आएगा, आपकी तकलीफों में, आपकी प्रॉब्लम में, आपकी समस्याओं में वो आपके साथ खड़ा बना जा रहेगा, यीशु मसीह के नाम में। ना डरूंगा विश्वास से, तेरा यीशु जो मेरे साथ है, बोलो ना डरूंगा, तेरा यीशु जो मेरे साथ है, ना डरूंगा, तेरा यीशु जो मेरे साथ है, हाथ को उठाते रहे, ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, गिरने नहीं वो देगा मुझको, स्वामी विश्वास करो, विश्वास करो, गिरने नहीं वो देगा मुझको, स्वामी ਨਾਲੇ
यीशु का नाम है। बता दो आपका नाता किसके साथ है, नाचने वाले गाने वाले यीशु का नाम है। मेरा नाता जी दे नाम है, यीशु का नाम है। हालेलुया जीसस। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय फिर से कहो, कोर्स गाओ मेरे साथ, मसीहा तेरे लिए मेरी जान भी है फिदा। फिर से कहो ये लाइन, वो कुछ कहना चाहता है इस लाइन में आपसे। हाँ हाँ गाओ गाओ भी, अपनी आंखों को बंद करके गाओ आज। महसूस करो वो आपके पास है, महसूस करो वो आपके पास है, वो आपके पास है। वो आपसे कुछ कहना चाहता है, वो आपके दर्द को लेना चाहता है, वो आपको छुटकारा देना चाहता है, वो इन आराधना में आज आपसे बातें करना चाहता है, वो आपको आज छूना चाहता है। मेरा आसमान का खुदा, मेरा रब, मेरा परमेश्वर, मेरा यहोवा, मेरा यीशु, वो राजाओं का राजा, वो परमेश्वर, वो आज छूना चाहता है आपको, वो कुछ कहना चाहता है। कहो एक बार फिर से कहो आज, मेरी जान भी है फिदा। तेरी सलीब को देखते हुए उस सलीब को याद करो जो उसने मेरे और आपके लिए बहाया। उस सलीब पर चढ़ गया वो। थैंक यू जीसस। मेरी जान भी Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, धन्यवाद करो, जोर से ताड़ी बजा के परमेश्वर का, आमीन। सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे। पवित्र आत्मा का वचन बोलता है 22, भजन संहिता 22 उसके 26 में लिखा, नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे, नम्र लोग करके पेट भर के खाएंगे। Yes, amen. आराधना करने वाले लोग, बाइबल बोलती है परमेश्वर का कहना जो मानते हैं, जो हर संडे चर्च आते हैं,
मेरी बाइबल उन्हें नम्र बोलती है। Yes. जो आराधना करते हैं, जो अपने गलतियों को मान लेते हैं, मेरी बाइबल उन्हें नम्र बोलती है। जो अपने पास्टर की आज्ञाकारी हैं, मेरी बाइबल उन्हें नम्र बोलती है। जो अपने माँ बाप की आज्ञाकारी हैं, परमेश्वर उन्हें नम्र बोलता है। Yes. इसलिए उसने कहा करे कि जो नम्र है, जो विश्वासी, जो वॉलंटियर, जो क्वायर, जो सिंगर, जो विश्वासी, करे कि याद रखना, परमेश्वर कह रहे कि आप पेट भर के खाने पाएंगे। आमीन। आप पेट भर के खाने पाएंगे, भविष्यवाणी आपके लिए। Yes. जो यहोवा के खोजी हैं, वो उसकी स्तुति करेंगे। बाइबल बोलती है जो परमेश्वर की खोज करना चाहते हैं, वो उसकी सिर्फ स्तुति करेंगे। उनके घर के हर रसोई के ढक्कन, बैंक बैलेंस भर जाया करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको सिर्फ इतना ही करना पड़ेगा, स्तुति हो परमेश्वर तेरी। आटा नहीं है, चावल नहीं है, बोलो स्तुति हो परमेश्वर तेरी। क्या कह सकते हैं आप दो जन को, स्तुति हो तेरी। आप बीमार हो, आप कहें स्तुति हो तेरी, आप चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर का खोजी वो है। कोर्ट में केस चल रहा हो, आपके ऊपर मुसीबतें, आपकी जेब में एक रुपया ना हो, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो परमेश्वर तेरी स्तुति हो, तेरी तारीफ हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। ऐसे लोगों ने खोज कर ली है परमेश्वर की। आज जो लोग कुड़कुड़ाते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारी जेब में, परमेश्वर कहता है इसने मेरी स्तुति नहीं की है, इसने मेरी बदनामी की है। जो लोग कहते हैं कि परमेश्वर कहां रहा तू अब तक, मैं चंगा नहीं हुआ, परमेश्वर कहते हैं वो लोग कभी चंगे नहीं होते, क्योंकि वो परमेश्वर की बुराई करते हैं। आप जितने यहां पर खड़े हैं, और इस समय परमेश्वर का खोजी वो है। यह नहीं कि आपने अपनी आंख से दर्शन कर लिया, ड्रीम देख लिया, भविष्यवाणी आ गया, प्रार्थना करना आ गया, आप खोजी नहीं हो। कह रहे खोजी वो जो हर बात में परमेश्वर के साथ चलता है। Yes, amen. धीरज रखता है। Yes. सहनशील हो जाता है। बाइबल बोलती है उन लोगों के लिए स्वर्ग दूत भेजे जाएंगे आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपके साथ स्वर्ग दूत भेजे जाएंगे, याद रखना। कह रहे तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहेंगे, याद रखना। स्तुति करने वाले लोग जल्दी मरेंगे नहीं, लंबी उम्र पाएंगे यीशु मसीह। Yes, amen. आज से कहना सीखो परमेश्वर तेरी स्तुति हो, तेरी तारीफ हो परमेश्वर। इसका मतलब परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि तू मुझे यहां ले आया। Yes. मैं दुख में था, मैं बीमारी में था, लेकिन तू मेरे नाल है, नाल नाली गे, ओ नाली गे, यहोवा मेरे नाल है। कौन है मेरे नाल? यहोवा। ये सिंगर मेरे नाल नहीं है। मैंने कहा हैदराबाद चलोगे? करे नहीं जाएंगे। मैंने कहा तुम नहीं जाओगे तो मेरे साथ यहोवा मेरे नाल है। हालेलुया। कह रहे कोई कह रहा मेरी मम्मी की प्रॉब्लम है, कोई कह रहा मेरे डैडी की प्रॉब्लम, कोई कह रहा मेरे जेब में पैसे नहीं है। मैं क्वायर को पूछता मेरे नाल चलोगे? कहते नहीं, हो मेरे हमारे पेपर चल रहे हैं। यहोवा के खोजी नहीं है वो, आप समझ रहे हैं कि नहीं? किसी को पूछो कहता मेरे कोर्ट में तरीक हो ब्रो, वो बिजी हूँ मैं, तुम्हारा ज्यादा तुम्हारा बाप बिजी है। हालेलुया। कह रहा कि स्तुति हो आज परमेश्वर की। अपने हाथों को उठाओ, बोलो स्तुति हो परमेश्वर की। स्तुति हो परमेश्वर। समझ में आ रहा है? Yes. स्तुति हो परमेश्वर की, क्योंकि मेरे नाल है मेरा परमेश्वर। ट्रेन का डब्बा पूरा फुल करके ले जाऊंगा, बजिंदर सिंह है मेरा नाम। आमेन। हालेलुया। जहाज का पूरा डब्बा फुल करके ले जाऊंगा। Yes. यीशु है मेरे नाल। Yes. समझ रहे कि नहीं? अपने हाथों को उठाऊ और विश्वास करूं आज कि परमेश्वर ने मुझे स्तुति करने के लिए बुलाया है, तारीफ करने के लिए बुलाया, आराधना करने के लिए बुलाया। करें yes. सच्चे आराधक चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। सच्चे आराधक वो हैं, करें जो हर समय में परमेश्वर के लिए तैयार रहते हैं। और सच्चा परमेश्वर वो है जो आपको भूखे नहीं मरने देगा, जो शैतान yes. के हाथ में नहीं आने देगा आपको। yes. वो मरने नहीं देगा आपको, लंबी उम्र की आशीष देगा आज। yes. आज बताने नाली है, ओ नाली है, यहोवा मेरे नाली है, नाली है, ओ नाली है, यहोवा मेरे नाली है। जे तेरी ताल है, जे तेरी ताल है, मेरे नाली है, जे तेरी ताल है, तू ना कबरावी। जे तेरी ताल मेरे नाल मिल गई, ते यहोवा तेरे नाल है। आमीन। जे तेरी yes. ताली मेरे नाल मिल गई, ते यहोवा तेरे नाल है। yes. समझ में आ रहा है कि नहीं? जे तुहाडी चाल मेरे नाल मिल गई, जे तुहाडी गल मेरे नाल मिल गई, यहोवा साडे नाल है। हालेलुया। नाली है, यहोवा मेरे नाल है।
बोलो बोलो बोलो, चाल चलने वाले, चाल चलने वाले, ताल मिलाने वाले, ताड़ी बजाने वाले, हालेलुया बोलने वाले, चर्चाने वाले, बोलो नाले वो अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि हम ना घबराएंगे अब से, क्योंकि हमने स्तुति करना सीख लिया है। याद रखना, किसी मनुष्य को बताने से आपकी उम्र लंबी नहीं होने वाली, आपकी किडनियां चंगी नहीं होने वाली, लीवर चंगा नहीं, कोई बीमार है, चंगाई उसको मिलती है जो परमेश्वर की स्तुति करता है हर पल। आप दुख में, समस्या में आप स्तुति करें। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मेरी जेब में पैसे नहीं होते थे, बच्चे का जन्मदिन मनाना होता था, तो मेरी बेटी बोलती थी, पापा मेरा जन्मदिन है, मैं पास्टर था। मैंने कहा 10-10 रुपये देते हैं चर्च में मेरे लोग, इतना चंदा नहीं आता बेटे, इतना किराया देना होता है। तो मेरी बेटी बोलती थी, पापा आपके पास तो पैसे नहीं है, इस साल जन्मदिन कैसे मनाओगे। मैंने कहा स्तुति हो परमेश्वर की, तारीफ हो उस परमेश्वर की। आमीन। मेरी गवाहियां सुनते हैं आप, जीरो से कहां बिठाया परमेश्वर ने। आपको सिर्फ स्तुति करना है, आपकी झोलियां भर जाएंगी, आपके गले भर जाएंगे, आपके बच्चे आशीषों से भर जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? विश्वास करना है। पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है, वो आपके साथ है, वो हर दुख में, हर बीमारी में, समस्या में, कोई ये ना कहे मैं कर्जे में हूं, वो साथ है। कोई डरे नहीं, कोई भटकाने वाली आत्मा आपके आसपास ना आए। शैतान भटकाता है आपको अपनी लाइन से। स्पीड ब्रेकर पर खड़े हो आप, वो स्पीड ब्रेकर परमेश्वर ने इसलिए होने दिया कि ताकि आपकी गाड़ी फिर से स्पीड पकड़े यीशु मसीह के नाम में। स्पीड ब्रेकर ना होता तो तुम मेरे चर्च में ना आते। सारा दिन गड्डी कभी दाते कभी बीते, पच्चीस आ रही गड्डी, समझ रहे हैं कि नहीं? यूपी वालों, चंडीगढ़ वालों, हिंदी आ रही है, पंजाबी आ रही है, कह रहे हैं कि गड्डी भगा रहे हैं। ओ पापा टाइम नहीं है अभी, मम्मा टाइम नहीं है, आज दुकान बड़ी चल रही है साड़ी, लाला वाले का दुकान बहुत चल रही है, संडे के आने की जरूरत नहीं है। बोला हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि स्पीड ब्रेकर भेजो इनकी लाइफ में। एक स्पीड ब्रेकर आता है, ओ पापा संडे चर्च आना है हमें। समझ में आया कि नहीं? आपके जीवन में प्रॉब्लम क्यों आई? परमेश्वर आपको स्पीड ब्रेकर पर रखने के लिए नहीं है लेकर आया। प्रॉब्लम इसलिए आई है कि ताकि आप स्पीड ब्रेकर पर आप समझ जाएं कि मुझे हर संडे स्पीड ब्रेकर मेरी लाइफ में इसलिए आता है, यहां पर हाथ हिलाना होता है, ताड़ी बजाना होता है। पवित्र आत्मा कह रहा है लो तुम्हारा स्पीड ब्रेकर से गाड़ी अब फिर से दौड़ेगा बिजनेस का। आमीन। कराए के गाड़ी दौड़ेगी चर्च। यस। आमीन बोलने वाले की गाड़ी दौड़े। आमीन। बैंक बैलेंस फिर से दौड़े। आपका बिजनेस, आपका फ्यूचर खुले अब से, आपके काम खुले आज से यीशु मसीह के नाम में। क्या तैयार है चर्च? आमीन बोलने वाले। नाले है वो हमारे। समझ में आया कि नहीं? हालेलुया हालेलुया। हे कौन सा गीत गा रहे थे तुम दोनों चर्च में? गाना वाजा मार दा, मारना मारना हमने वाजा मार दा, मारना वाजा मारना यीशु नासरी। दसो किन्नु मारे मेरा रब आज वाजा। तेरे दिल दे बुहे दे अगे आन के, तेरे दिल दे बुहे दे अगे आन के। वाजा मार राज परमेश्वर, वाजा मार दा यीशु नासरी। वाजा मार राज मेरा परमेश्वर। कैसे मारेगा वाजे? Yes. जब आपके लिए भविष्यवाणी होती है तो वो वाजे मार रहा मेरे अंदर से। Yes. आप समझ रहे हैं कि नहीं? वाजे मार रहे हैं। अगर आपके दिल में कुछ कुछ हो रहा है, वाजे मार रहा है वो। Amen. आपको गलती करके एहसास हो रहा है, इसका मतलब वाजे मार रहा है वो आपको। आप आराधना कर रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, आपका दिल करता संडे चर्च जाने का, इसका मतलब आवाज मार रहा है वो। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु पुकारता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, इसका मतलब तुम्हारी कॉलिंग है, इसका मतलब आपकी कॉलिंग है। फिर से कहूं वाजा मार दा यीशु नासरी, तेनु वाजा मार दा यीशु नासरी, तेरे दिल दे बूहे दे अगे आन के, दिल दे बूहे दे अगे आन के, वाजा मार दा यीशु नासरी।
नासरी तेनु वजा मारदा यीशु नासरी तेरे दिल दे बूहे दे अगे आण के तेरे दिल दे बूहे दे अगे आण के वजा मारदा यीशु नासरी तेनु वजा मारदा Enu vajamarida, Yesu Nasri. Enu vajamarida, Yesu Nasri. Vajamarida, Yesu Nasri. Tu suta be fikra ho ke, andro dil da buhato ke. Tu suta be fikra ho ke, andro dil da. टोके सुता गफलत दी चादर तान के सुता गफलत दी चादर तान के वजा मारदा यीशु नासरी तेनु वजा मारदा यीशु नासरी तेरे दिल दे बूहे दे अगे अपने हाथों तेनु वजा मारदा सो सो बंदिया वक्त गवाया सूरज तेरे कोल है आया सो सो बंदिया वक्त गवाया सूरज तेरे कोल है आया तेनु लखा ते हजारा च बचाण के तेनु लखा ते हजारा च तालियों के साथ वजा मारदा यीशु नासरी हाथों को उठा कर तालियों के साथ मारदा बुला रहा मेरा परमेश्वर आज तेरे दिल दे बूहे दे अगे आण के तेरे दिल दे बूहे दे अगे आण के बूहे के अगे मारदा यीशु नासरी वजा मारदा यीशु नासरी तेनु 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 वजा मारदा यीशु नासरी वजा मारदा को पुकार रहा है मेरा परमेश्वर आज इस गीत को पुकार रहा है मारदा जो अपना दिल का दरवाजा खोल रहे आज और इस रात को तो पुकार रहे आज आज आपका फ्यूचर बदलने वाला है मैंनु लखा दे हजार च बचाने के वजा मारदा मेरा यीशु नासरी यीशु नासरी आप वाजा अब इसी समय जो लोग गुनगुना रहे थे अपने सिर पर हाथ रखो पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर क्या सच में जितने लोगों ने सच्चे दिल से तेरी आराधना किया परमेश्वर जिन्होंने इस गीत को सुनकर के आवाज लगा रहा मेरा परमेश्वर मुझे अपने दिल को खोल दिया आज तेरे कामों के लिए आज मेरे पिता परमेश्वर
इनके अंदर आ जा पवित्र आत्मा जी, आज घर में प्रवेश कर पवित्र आत्मा, इनके बिजनेस में आ, इनके घर में आ, इनके जीवन में आ, सच में वो इनकी आत्मा में, इनकी देह प्राण आत्मा में आ परमेश्वर, और इसी समय छू ले आज इन्हें फिर से नया कर दे यीशु मसीह के नाम में, हर टेंशन से आजाद कर दे पवित्र आत्मा, तू छूने के लिए जा रहा है, तू आजाद करने के लिए जा रहा है, उसी समय पवित्र आत्मा हर एक आशीष खोलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन, आमीन। आज बहुत सारे लोगों की आशीषें खुल रही हैं यीशु मसीह, आमीन। अपने स्थान पर एक छलांग लगाकर बैठ जाएं, पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है, बोलो हालेलुया, हालेलुया। वजा मारदा यीशु नासरी, चुप करो चुप करो, मुझे सिंगर बनने दो, आई एम अकेले मैकेनिकल इंजीनियर, आई एम अकेला ही सिंगर, आप सुन रहे हैं, आपको गाना है, गाना आए ना आए, बजिंदर सिंह की तरह गाना है, इनको नहीं देखना ये बहुत अच्छा गाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, दूसरों को नहीं देखना, दूसरे प्रार्थना अच्छे करते हैं आपको आती नहीं है, आप जैसा भी करते हैं परमेश्वर को पसंद है आप, आमीन। वाजा मारदा यीशु नासरी, दो परोठे ज्यादा खा के आए हो, आवाज मार रहा है परमेश्वर, लेकिन कुछ लोग अपने दिल के दरवाजे को खोलते नहीं, बोलते पापा मैं ना अभी ना जरा शादी में जा रही हूं, पापा आप प्लीज अभी मत आवाज लगाओ मुझे, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, परमेश्वर आपको आवाज लगा रहा है, बेटे आज बाइबल पढ़कर जाना, प्रार्थना करके जाना, बेटे ये रास्ता ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, मैं तुझे देख रहा हूं, पापा आपको पता है आप थोड़ी, मैं शादी में जा रही हूँ, थोड़ा बंटन के जा रही हूँ, आप थोड़ा सा उधर मुंह कर लो, हालेलुया, विश्वास करना है परमेश्वर आवाज लगा रहा है आपको आज, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, मैं देखता हूँ पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इस समय जो विश्वास करें जिनके नाम एस आन एन आर पी के एल और जी से, आप चौथे महीने से स्टार्ट करेंगे, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाएंगे यीशु मसीह के नाम में, मैं लगाऊंगा, डरे नहीं, पवित्र आत्मा जब किसी के लिए बोलता है आपको कंसीव और रिसीव दोनों करने हैं, केवल औरत ही नहीं कंसीव करती, एक आदमी भी कंसीव करता है अपने अंदर, विश्वास को कंसीव करो आज, अपने अंदर खींच लो आज उस विश्वास को, आपने विश्वास करना है, यस, आप एक फैक्ट्री के मालिक बन सकते हैं, आमेन, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, यस, आप छोटे नहीं है, आप वो बन सकते हैं जो नहीं बन पा रहे, लाइन लगाओ गवाहियों की फटाफट, परमेश्वर काम करेगा आपके लाइफ में यीशु मसीह के नाम में, मैंने देखा अभी जिसके नाम ए एन आर एस और टी और वी से, बी से, के से, कमला, सुजाता, सोनिया, शांति, ऐसे ऐसे नाम मैं देख रहा हूँ, सोनू, पवित्र आत्मा कह रहा है कि पी आर की आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में, फौरन जाने के रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए यीशु मसीह के नाम में, करा वाजा मार रहा आज वो मेरे द्वारा, मैं किसी को देख रहा हूं, संतरा संतरा, कैसा अजीब नाम है संतरा, कौन है, मैं केले को नहीं बुला रहा हूं, मैं संतरे को बुला रहा हूं, ए संतरो, वेयर इज संतरा, है कहां है संतरा, हाथों को उठाओ जो भी संतरा है इसका नाम संतरो, हैं मैं लेके जा दौड़ के, वाजा मारदा संत्रोनू, हालेलुया, की ना है दा, क्या नाम है इसका, हालेलुया, प्रॉफिट जी अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे क्योंकि संतरा है और ये बहन बता रही मेरा नाम संतरा है, तेरे को कैसे पता संतरा है, हाँ जी संतरा है, हाँ जी, अबे तेरे को ढंग से देख, संतरा है औरत है, कह रहे बहन संतरा है, ये कैसे बहन का नाम संतरा है, यस, बोला हालेलुया, कहां से आए बेटे, कहां से आई बब्बो, जींद से, जींद से, पर बोल दी क्यों नहीं, हम भी हरियाणा से आए, हां जी हरियाणा से, हाँ हरियाणा से, पवित्र आत्मा मेरे से बात कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा कर रहा है, बहुत जगह जगह तुम घूमे कुछ नहीं मिला तुम्हें, नन्ना मुन्ना रही हूं देश का सिपाही हूं, हां जी, कौन करता है ऐसे लोरी, कौन सुनाता है, किस लिए तू करती है, हां जी, मेरा बच्चा होगा मैं उसे नन्ना मुन्ना बनाऊंगी, देश का सिपाही बनाऊंगी, 13 साल हो गए नन्ना मुन्ना आया नहीं अब तक, हाँ जी, बच्चा नहीं है तेरे पास, नहीं बच्चा नहीं है जी, 35 साल से, ओ
13 साल से मैं सुन रहा हूँ, नन्ना मुन्ना आएगा, नन्ना मुन्ना आएगा, नहीं आया। Yes, amen. सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो आपको तकलीफ है, पवित्र आत्मा ने अभी, अब जब आप आराधना कर रहे थे, आराधना जब आप करते हैं तो परमेश्वर आवाज लगाते हैं प्रॉफिट को, बोल किसी के लिए, सुन रहे हो? जब आप अच्छे ढंग से आराधना करते हैं तो पवित्र आत्मा बातें करता है आपसे, आपको गुड न्यूज देते हैं। जो लोगों ने विश्वास किया, परमेश्वर का आत्मा इस कबाड़ सराउंड वाले को परमेश्वर यहां से भगा दे। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। क्या करूं, कोई मेरे को अच्छा भक्त भी नहीं मिल रहा जो दान ही कर दे, साउंड ही खरीद लूं मैं अपना। संतरा रुक रुक, धोइए सुनो, संतरा संतरा संतरा, जो आपका नाम किसने रखा संतरा, जल्दी बोल। घर वालों ने रखा था, जी माँ ने बाप ने वही रखते हैं। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ संतरे के छिलक पर एक अंडे का छिलका रख के और उस पर क्या लौंग रख के और ऐसे उसमें वो ठोक दिया कुछ आलपिन, बालों में लगाते हैं जो आपको बांध दिया 35 ईयर से, बच्चा नौ। मेरी बात में विश्वास है आपको? यस सर। आज आप खुल जाएंगी यीशु मसीह के नाम में, आपके बांझपन का शराब टूट जाएगा यीशु मसीह, बंधन टूटेंगे। डॉक्टर कुछ कहे, कोई कुछ कहे, चिंता नहीं करना, वो मेरे नाल है। क्या कहा अभी? नाले है, यो नाले है, यहोवा मेरे नाले है। बस यही कहना आपको, वो मेरे नाल है, यहोवा मेरे नाल है। हाँ, पंजाबी में बोलने, वो मेरे नाल है, वो मेरे साथ है। वो आपकी सुनेगा मेरी बहन। तकलीफ में नहीं जाना, इधर ले आ, इधर कैमरा इधर है, दौड़ के आ जा मेरे पास जल्दी से। तू ना घबरावे, बाला बाशा बाला बाला बाशा बाला बाला बाशा बाला बाला बाशा बाला बाला बाशा, पीछे खड़े तू ना। हाँ हाँ हाँ, बस सामने खड़े जाओ। हाँ बेटे सुनो, संतरा आपको गुड न्यूज मिलने के लिए जा रहा है। Amen. अगर आप विश्वास करें, पवित्र आत्मा काम कर रहा है आपकी लाइफ में। Yes. आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। Yes, आशीष में बदल जाओगे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि एक जगह पर कहता है कि तीन एक्सीडेंट होने से तीन बार चोट मारनी थी टांग पर आपके पति को। Yes. प्रॉब्लम डालनी थी, एक बार लग गई, दो बार बच गया, टांग कट जाना था, प्रॉब्लम आना था, हड्डियां टूट जानी थी, परमेश्वर का आत्मा बचाया। तेरे पीछे कुत्ता पड़ा और जब तू छोटी थी, कुत्ता पड़ा और उसने तेरे को काटा। हां जी हां जी, आई एम राइट। यस। और वो कुत्ता भी ब्राउन कलर का था। हां जी, हालेलुया। सुन रहे हो? जब छोटे थे, जब से वो ब्लैक मैजिक आपके पीछे चल रहा है। मैं एक ऐसी वाली कुंडी देख रहा हूँ, ऐसी वाली कुंडी, जो ऐसी वाली कुंडी नहीं, ऐसी वाली कुंडी लगती है। उस घर में पहले आप रहते थे, ऐसे वाली कुंडी, समझते हैं? वो कुंडी संगल वाली कुंडी, संगल वाली कुंडी में आप रहते थे। और मैंने ऐसे देखा, तेरी माँ ने जब तेरी शादी किया तो उसके बाद आप ऐसे वाली कुंडी में चले गए, मतलब ब्राउन ब्राउन कलर का डोर है वो, और नाम प्लेट लिखा है सुरेश। सुरेश कौन है? मेरा पति है। Hallelujah! Glory to Jesus! नाले हैं, नाले हैं, नाले हैं, यहोवा मेरे नाले हैं। सुनो, तीन तसले उठाई किसी ने सिर पे, बहुत तसले उठा उठा के मकान बनाए। हाँ जी, हमने बनाया था। हमने बनाया? हमने कैसे देखा आपका मकान, मेरे को कैसे मालूम? आपने तसले खुद उठाए, कोई मजदूर नहीं बुलाए, सूद उठाए, खुद उठाए, बनाती रही, बड़ी मेहनत किया। किसके लिए बना रही है? बच्चा तो है नहीं तेरे पास, तेरी जठानी नजर कर रही है, तेरी धरानी नजर कर रही है, ले जाएगी सब कुछ, समझ रही है? रेखा कौन है? मेरी बहन। Glory to Jesus! नाले हैं, नाले हैं, यहोवा तेरे नाले हैं। आपकी समझ में आ रही है? किसी को दिखाया नहीं ऐसे, नहीं किसी को बताया तो नहीं, यहाँ पर तेरी बहन का नाम रखा है? नहीं। मेरे से मिली है कभी तू? नहीं। है? नहीं। संतरा खिलाया कभी मेरे को? नहीं मिली। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, जब आप गीत गाते हैं, परमेश्वर बातें करता है भविष्यता से। आप चर्च में आए हैं, प्रोफेटिक मिस्ट्री में आए हैं, तो आपको डरने की जरूरत है। भविष्यवाणी मैं संडे आपके लिए इसलिए करता हूँ कि ताकि आपको पहचान हो जाए, अगर इस बहन के साथ परमेश्वर खड़ा है, उसकी बातें कर रहा है, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं। जो पीछे और दाएं बाएं खड़े हैं और बैठे हैं, आपके लिए भी रास्ते खोलने वाला आज रात वो मैं। बोलो यीशु मसीह की, यहोवा मेरे नाले है। शौक नहीं है मुझे, शौक नहीं है कि मैं एक को खुश करूं और बाकियों को निराश करूं। मैं आपको बता रहा हूं, ये भविष्यवाणी सभा में आए हो आप,
पवित्र आत्मा काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, आपको गुड न्यूज दे रहे हैं। ओ मेरे हाथ हिलने लग गए थे, अच्छा अभी नहीं हिलाऊंगा, उठाओ बोल हालेलुया। एक रोबोट आने वाला, रोबोट दुनिया में वैसे करेगा, आप उधर गिर जाया करेंगे। सुनो, आप इशारा करेंगे, रोबोट इधर जाएगा। बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई आजकल, विश्वास करो पवित्र आत्मा उस नाम को दिखा रहा है, आपके लिए बहुत सारे बंद पड़े रास्ते खोल रहा है। आमीन। बिल्कुल बिल्कुल बराबर में एक घर कह रहा, बच्चा ले ले, गोद ले ले। आवाज आ रही मुझे, कोई बोल रहा था आपको पड़ोसी, आपके आपके अपने के बच्चा गोद ले ना, इतने दिनों के क्यों इधर उधर घूम रही है। ले रखा था जी मैंने, लड़का गोद ले रखा है। तू ना घबरावी, जब लड़का गोद ले लिया फिर यहाँ कहने आई है, चल देख ले तुक्का लग गया तो ठीक है। ऊपर वाले हैं, किसने बताया इधर गए, यहाँ पर विश्वास के साथ आना। yes. विश्वास के साथ मांगना, उसको वापस दिया, चल रख ले उसको भी, कोई बात नहीं, अच्छी बात yes, है। आपने गोद लिया, गुड न्यूज, परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। जब आप दान ले लेते हो, किसी को बच्चे को रख लेते हो, तो पवित्र आत्मा आपकी गोद भरने के लिए जा रहा है यीशु मसीह का। आमीन। गुड न्यूज मिलेगा, लेकिन वो इसी समय उसने जो तुझे दिखाई देते हैं, जो तुझे काटते हैं सपने में, इसी समय वो निकल रहे हैं। चल मुंह खोल और निकल जा इसके अंदर से। आ रा 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 छोड़ दे इसको यीशु मसीह के नाम में, इस औरत को छोड़ और फ्री फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमें। बोलो आमीन। आमीन। तो संतरे के लिए फटाफट से नाली है, ओ नाली है, यहोवा मेरी नाली है, नाली है, ओ नाली है, यहोवा मेरी नाली है, के संग है यहोवा ताकि से दी क्यों पाली है, मेरे नाल है, तू ना घबरावी, मेरे नाल है, तू ना घबरावी, तालियों के साथ वर्शिप करते हुए, ये सब है यहोवा क्यों पाली है, ओ नाली है, यहोवा तेरे नाली है, कहते हुए सभी जय, ओ नाली है, यहोवा मेरे नाली है, ओ नाली है, यहोवा मेरे नाली है, नाली है, यहोवा मेरे नाली है। मूसा दे अगे अगे आप खुद चलिया, इसराइलियां दे ले छुप कर चलिया, दे अगे अगे आप खुद चलिया, इसराइलियां दे ले छुट कर चलिया, बड़ा समुंदरियों ने दो हिस्से कर दिता, ओदे अगे पानी दा भी जोर नहीं चलिया, बड़ा समुंदरियों ने दो हिस्से कर दिता, ओदे अगे पानी दा भी जोर नहीं चलिया, जे अगे है यहोवा ता बड़ी जांदे राह ने, जे अगे है यहोवा तू ना घबरावी, यहोवा तेरे नाल है, तू ना घबरावी, यहोवा तेरे नाल है। यस, हम गवाही लेंगे। हालेलुया, बहुत ही अद्भुत गवाही है। भाई बता रहे हैं, एक साल से किडनी में स्टोन था और बहुत दवाइयां खाता लेकिन चंगा नहीं हो पाया, ऑनलाइन प्रोफेसी को रिसीव किया। प्रॉफिट जी बोल रहे थे कि जिनको भी किडनियों में गांठे गिल्टियां सोलियां हैं, पथरियां हैं, वो बाहर जा रही हैं, आप चंगे हो रहे हो। रिसीव किया, परमेश्वर ने नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस किया है। नाली है, ओ नाली है, यहोवा मेरे नाली है, नाली है, ओ नाली है, यहोवा तेरे
Yes. Hallelujah. सभी कलीसिया को जय मसीह की। मेरा नाम है शंकर, मैं प्रतापगढ़ से आया हूँ जिला। मेरे शरीर में किडनी थी, वो पथरी थी, और इतनी दवा खाया फिर भी आराम नहीं हुई। और पापा जी ने जब कहा कि यस नाम वालों की रिपोर्टें नॉर्मल आए, और मैंने रिसीव किया और मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई। आपने प्रभु का धन्यवाद ब्रदर की गवाही में कि परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की जिनके नाम ऐसे हैं, जिनको पथरी है खुदा आजाद करने के लिए जा रहे हैं नॉर्मल रिपोर्ट के साथ। ब्रदर ने प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव किया नॉर्मल रिपोर्ट के साथ, आए आज यीशु के नाम में। और बहुत ही अद्भुत गवाही है ये भाई बता रहे हैं। इसके बच्चे की बाजू की अंडरआर्म की नस कट गई थी, जिसके कारण हाथ उठना बिल्कुल बंद हो गया था, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। लेकिन विश्वास के साथ जब ये चर्च में इस बच्चे को लेकर आए, अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर यहां से लेकर के यूज किया, बता रहे हैं वो बाजू बिल्कुल चंगी हो चुकी है। यस, गवाही लेंगे जल्दी से। पापा जी को जय मसीह की, सारी गलसिया को जय मसीह की। मेरे बेटे की बगल में जो कैंची लग गई थी, और खूब डॉक्टरों को दिखाया लेकिन चालू नहीं हुई थी, और इस चर्च में आए और तेल पानी यूज किया और चंगा हो गया मेरा बेटा। ब्रदर बता रहे हैं इनका बच्चा है, उसकी अंडरआर्म्स में कैंची लगी और उसकी नस कट गई, लेकिन जब विश्वास के साथ अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, जितने ऑनलाइन भी मुझे सुन रहे हैं, कि अपने पास मेडिसिन रखा करें, यानी कि अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को रखा करें। वो एक मेडिसिन है यहोवा की ओर से कि बीमारों पर लगाएंगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे। अपने पर्स में रखो, ऑफिस जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, उसको कैरी करो साथ में। आपको नहीं पता आप डॉक्टर हो यीशु मसीह के, किसको जरूरत पड़ जाए, कहाँ लगाना पड़ जाए। आपके सामने इतनी बड़ी गवाही है, कट हो गई थी वेन, लेकिन ऑयल लगाया, बच्चा बिल्कुल चंगा हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यहोवा तेरे नाल है, नाल है, नाल है, यहोवा मेरे नाल है, यहोवा ताकी सदी क्यों पाए है, यहोवा ताकी सदी क्यों पाले है, तू ना घबरावी, यहोवा तेरे नाल है। आपकी तालियां नहीं रुकनी चाहिए। परमेश्वर के कलाम में लिखा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। आपके पड़ोसी की गवाही है, तालियां बजाओ। आज आपकी भी बनने के लिए जा रही है, खुदा आपको आशीष दे। नेक्स्ट हम सुनेंगे गवाही। हालेलुया। 3 साल से इनको शुगर था और बहुत दवाइयां खरीदी, लेकिन आराम नहीं आया। विश्वास के साथ जैसे चर्च में आए, यहाँ से एनेंटिंग ऑयल लेकर के यूज किया, बता रहे शुगर की रिपोर्ट नॉर्मल आ चुकी है। Yes, गवाही सुनिए जल्दी से। मेरा नाम आसियानी खालको, मैं ओडिशा से आ रही हूँ, और मेरा ये गवाही है कि मेरा 3 साल से शुगर थी, और मैं कितना दवाई खाई लेकिन कहीं भी ठीक नहीं पाई, लेकिन पापा जी ने प्रोफेसी किए थे और मैं प्रोफेसी बोर्ड को रिसीव किए हैं, और मेरा शुगर आजाद हो गई, शुगर से आजाद हो गई। आपको कितने समय से शुगर था? 3 साल से। 3 साल से शुगर था, मेडिसिन ली, चंगी नहीं हो पा रही थी, लेकिन जब परमेश्वर के दास ने प्रोफेटिक वर्ड कहे, नबी ने भविष्यवाणी की। अगर ऑनलाइन कोई शुगर का पेशेंट है या चर्च में मौजूद है, आपके सामने गवाही है, अगर आप विश्वास करते हैं हाथों को उठाओ कि आज मैं भी चंगा होने के लिए जा रहा हूं, तो आपकी भी गवाही बनने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। तू हालेलुया कह, तू हालेलुया कह, तू हालेलुया कह, तू
ये वर्षी बहुत अच्छी है, आप सुनना सिस्टर, अगला पहरा भी गाना इसका, कि जब बादलों पे यानी बदलां दे उत्ते जब यीशु मसीह आएगा, पूरे जग ने जश्न मनाना है, फिर हालेलुया बोलना है। बेके बदला ते यीशु जदों आए, बेके बदला ते यीशु जदों आए, ओदे लोका नाले जश्न मनाना, तू हालेलुया कह, तू हालेलुया कह, तू हालेलुया कह, तू हालेलुया कह। यस, नेक्स्ट गवाही सुनेंगे जल्दी से। यस, बेके बदला ते यीशु जदों आए, कितने वर्षिप करने के लिए तैयार है। परमेश्वर के दास बहुत जल्द हमारे बीच में आने वाले, तैयारी कर लो हालेलुया बोलकर, जोरदार ताड़ियां बजाएंगे, खुदा के दास का, परमेश्वर के नबी का स्वागत करेंगे। तू हालेलुया कह, 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 हालेलुया कह, तू 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 हालेलुया कह, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, जोर से ताड़ी बजाएं, परमेश्वर की महिमा करें, बैठ जाएं अपने स्थान पर। पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग बरकत लेना चाहते हैं जोर से कहो आमीन, हालेलुया, आमीन बोलने वाला पूरी बरकत ले आज। सुस्त लोगों का चर्च में कोई काम नहीं है, परमेश्वर आशीष दे, बोलो हाल, आप बोलो आमीन। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं मेरे चर्च में सुस्त लोग ना आए, हालेलुया। हाँ, टेस्ट टेस्टमनी सुनेंगे, हाँ गवाही सुनेंगे, शाबाश, हालेलुया। प्रभु जी बहुत ही अद्भुत गवाही है, हाँ। ये सिस्टर अपने हस्बैंड की गवाही दे रही है कि 3 महीने पहले उनकी पूरी बॉडी के ऊपर कोड हो गया था और पूरी स्किन उनकी गल गल के गिरनी स्टार्ट हो गई थी, पस निकलती थी, कपड़े चिपक जाते थे बॉडी के साथ। लेकिन विश्वास के साथ जब ये बहन चर्च में आए, यहां से एनवेंटिंग ऑयल और वाटर लेकर के यूज किया, लेहन प्रेयर हुई, बताने उस कोड से इनके हस्बैंड बिल्कुल साफ हो चुके हैं। जोर से तारीफ करो, शाबाश, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, हाँ हाँ, नेक्स्ट गवाहियों के साथ फटाफट, जल्दी 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 जल्दी, हरि ओम, हालेलुया, हाँ हाँ। प्रभु जी तीनों गवाहियां पाइल्स की हैं, ये सिस्टर बता रही है 8 साल से इनको पाइल्स था और इस बहन को 7 साल से, इनके बच्चे को 1 साल से, बता रहे उनका तो ऑपरेशन भी 2 ऑपरेशन हो चुके लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। विश्वास के साथ जब एनवेंटिंग ऑयल और वाटर यूज किया, प्रोफेसी को रिसीव किया, उस पाइल्स के श्राप से आजाद हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया, पवित्र आत्मा।